starting her own YouTube channel, and she's very courageous in approaching a foreigner as well. I've had a really good time here. वो सर्दी हो रही है। यह मकबरा अपने दौर के बहुत खूबसूरत तरीन हिंद मकबरा। एक तरफ है बादशाह का मकबरा और एक तरफ है मलका का मकबरा और बीच में है आसिफ खान का मकबरा। शाहजहां जो आसिफ खान के दामाद थे उन्होंने लाहौर उम्मीद तो सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी लिटिल हबीबा। आज मैं आई हूँ आसिफ खान के मकबरे पे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के बटन में और को क्लिक करना ना भूलिएगा। खान कौन था? आसिफ खान मलका नूरजहां के भाई थे और मुमताज महल के बाबा थे। खान शाहजहां के फौज के बहुत बड़े और बहादुर फौजी थे। बाद में उनको लाहौर का सूबेदार भी मुकर्रर कर दिया गया। आसिफ खान ने लाहौर में ही वफात पाई। शाहजहां जो आसिफ खान के दामाद थे उन्होंने लाहौर में बहुत आलीशान मकबरा तैयार करवाया जो कि अब अपनी असल हालत में नहीं रहा। यह मकबरा अपने दौर के बहुत खूबसूरत तरीन हिंद मकबरों में शामिल होता था। एक तरफ है बादशाह का मकबरा और एक तरफ है मलका का मकबरा और बीच में है आसिफ खान का मकबरा। हिंदू और अंग्रेजों ने इस मकबरे को उजाड़ते हुए इसकी सारी पेंटिंग उतार के इसको स्याह मकबरा बना दिया। अब हम चलते हैं आसिफ खान के टूम की तरफ। पे अल्लाह के नाम लिखे हुए थे इसलिए सिखों की किसी भी इमारत में काम नहीं आ सका। ये वही चीज है जो अपने मकबरे पर बस अपनी ही असल हालत में लगी हुई है। She's starting her own YouTube channel and she's very courageous in approaching a foreigner as well. I've had a really good time here in Lahore and specifically the Jahangir's tomb area. So it's a pleasure to be here and it's nice to be part of her channel. Okay, so I like to add something because a young girl got a great courage and this is a sign of prosperity in Pakistan. I request to the Pakistani government provide the proper education. Education should be compulsory for the girls here. You know, there are some part in Pakistan education is not compulsory there, and I like to request to my Prime Minister, you know, the current Prime Minister, please promote education and co-education also. And without education, Pakistan can't get a progress in every field of life. Message goes to the world: Pakistan is a safe country. Thoroughly, please visit to Pakistan and spend time with local people. And this is my friend came from Europe, and he is over the moon during the visit with me in Lahore. Thanks a lot. Thank you. जितने भी मकबरे देखे हैं मकबरों की दीवारों पर सबने लोगों ने अपने नंबर लिखे या नाम लिखे हो। मैम मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मकबरों पर ना लिखा करें, इससे ना आपसे कोई रब्ता करने लगा और ना ही कुछ हुई। तब लोग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के बटन में ऑल को क्लिक करना ना भूलिएगा क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार होता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। बहुत सर्दी हो रही है।